भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सिंह का एक इंटरव्यू सामने आया है। अक्षरा सिंह के उस इंटरव्यू को देखने के बाद वो लोग भी अक्षरा सिंह के समर्थन में खड़े हो गए हैं, वो लोग भी अक्षरा सिंह का अब साथ दे रहे हैं। जिन लोगों ने कभी अक्षरा सिंह को गलत कहा था, जिन लोगों ने अक्षरा सिंह को ये कहा था कि अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के छवि को खराब करने की कोशिश की है, लेकिन अक्षरा सिंह के इंटरव्यू अब सामने आने के बाद, अक्षरा सिंह के बातों को सुनने के बाद और अक्षरा सिंह के इमोशन को देखने के बाद अब वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, अक्षरा सिंह सही है, पवन सिंह ने जो कहा है, पवन सिंह ने जो किया है, पवन सिंह ने जो करतूत की है अक्षरा सिंह के साथ, इसका पुरजोर विरोध होनी चाहिए। आपको मालूम है अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा जगत में किसी परिचय की मोहताज नहीं है और ना ही भोजपुरी सिनेमा जगत के पावर स्टार सुपर स्टार कहे जाने वाले पवन सिंह। लेकिन पवन सिंह का जो घिनौना चेहरा सामने आया है वो आप जानकर, आप देखकर ये कहेंगे कि अरे पवन सिंह इंसान रूप में भेड़िया है। अक्षरा सिंह एक इंटरव्यू के दौरान ये कहती हैं कि पवन सिंह ने वो हरकतें की हैं, पवन सिंह ने उन्हें इस कदर तोड़ा है कि अब डर से भी उनको डर लगना खत्म हो गया है। जाहिर सी बात है, किसी इंसान को इतना मत डराओ कि वो डर से भी डरना बंद कर दे, वो हाल अब अक्षरा सिंह का है। आपने कई बार अक्षरा सिंह और पवन सिंह को लेकर सोशल मीडिया पर वीडियोज देखे होंगे, तरह तरह की टिप्पणियां देखे होंगे, लेकिन अब उस इंटरव्यू के बारे में बताने जा रहे हैं जिस इंटरव्यू के दौरान अक्षरा सिंह ने पवन सिंह के चेहरे पर से वो मास्क हटा दिया है, वो चोला हटा दिया है, जो चोला पहनकर पवन सिंह पावर स्टार और शरीफ इंसान होने का डुगडुगी पीटते रहते हैं। अक्षरा सिंह पवन सिंह के कभी सबसे करीब रही हैं, पवन सिंह के इतने करीब रही हैं कि भोजपुरी सिनेमा जगत में अक्षरा और पवन की जोड़ी ने दर्शकों को कई सुपरहिट फिल्मों के माध्यम से अपने ओर खींचा है। लेकिन अक्षरा सिंह पवन सिंह के आगे इतनी बेबस थी, इतना लाचार थी, इतना टूट चुकी थी कि ना उनके सामने कुछ करने का बन रहा था, ना कुछ सोचने का, ना कुछ समझने का। आप यकीनन ये सब सुनकर कहेंगे कि पवन सिंह इंसान नहीं भेड़िया है। पवन सिंह को आप इंसान और इंसानियत के बारे में ये जरूर कहेंगे कि जीरो मालूम है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह के साथ जो किया, आने वाले समय में किसी और लड़की के साथ ऐसा ना हो, भोजपुरी सिनेमा जगत में किसी और की जिंदगी खराब ना हो, इस वजह से मैं कहूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर लोगों तक पहुंचाइए। दरअसल पवन सिंह का जन्मदिन 5 जनवरी को था, 5 जनवरी को ही अक्षरा सिंह का एक इंटरव्यू रिलीज होता है, इंटरव्यू सोशल मीडिया पर रिलीज किया जाता है। शुभांकर मिश्रा को दिए गए इंटरव्यू के दौरान अक्षरा सिंह ने पूरे दिल की बात बताई है, अक्षरा सिंह ने वो इमोशन दिखाया है, अक्षरा सिंह ने वो दर्द भरी कहानियां सुनाई है जो अक्षरा ने पवन के साथ रहकर झेला है। अक्षरा ने आंखों में आंसू लिए ये बताया कि किस तरीके से अक्षरा के ऊपर टीवी फोड़ दी जाती थी, कैसे उनके बातों को सुनकर पवन सिंह की ओर से उनके ऊपर अटैक किया जाता था। लेकिन अब अक्षरा कह रही हैं कि मैंने तो डर से भी डरना खत्म कर दिया है, क्योंकि मेरे अंदर अब डर ही नहीं है। अक्षरा सिंह भोजपुरी सिनेमा जगत में अब किसी परिचय की मोहताज नहीं है, बहुत बड़ी सुपरस्टार है, ना ही पवन सिंह। लेकिन चलिए शुरुआत करते हैं उस कहानी की जो अक्षरा ने पवन के बारे में सुनाया है। कभी अक्षरा और पवन की जोड़ी बेहद कमाल हुआ करती थी, लेकिन आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि अक्षरा सिंह ने पवन सिंह से ब्रेकअप कर लिया? क्या आपको लगता है कि अक्षरा सिंह इन सब के पीछे अकेले जिम्मेवार है? अगर आप ये सोच रहे होंगे तो मैं कह रहा हूं कि रुकिए, सुनिए, फिर सोचिए और फिर कुछ कहिए। अक्षरा सिंह एक बेटी हैं, एक कलाकार होने से पहले वो किसी की बेटी है, बहन है, लेकिन एक बेटी और बहन को अपनी इज्जत, अपनी अस्मत उन भेड़ियों से बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है जिनके साथ रहकर उन्होंने जीवन जीने की तमन्ना रखी हो। पवन सिंह और अक्षरा की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अक्षरा पवन के बेहद करीब थी, लेकिन एक सच ये है कि पवन सिंह के कई वीडियोस सामने आए जिसमें पवन सिंह ने यह कहा कि वो शराबी हैं, शराब पीते हैं, और अक्षरा सिंह ने जो हकीकत बताई है, जो दर्द भरी कहानियां सुनाई है, उस कहानी में अक्षरा कहती हैं
कि पवन सिंह ने मुझे झुकाने की हर संभव कोशिश की। पवन सिंह के अंदर इंसानियत की वो कौन सी प्रवृत्ति थी जो पवन सिंह को ये पसंद था कि ये स्टेज पर चढ़ो तो ये सरयाम कहो कि मैं तुम्हारी प्रेमिका हूं, मैं तुम्हारे साथ अफेयर में हूं, लिव इन में हूं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वो पवन सिंह इससे पहले शादी के बंधन में बंधे उनकी पत्नी ने आत्महत्या की और दूसरे पत्नी के साथ तलाक का प्रकरण चल रहा है। पवन सिंह ने अक्षरा सिंह को कई बार इस बात को लेकर उकसाया कि बताओ तुम्हारे इंडस्ट्री में किन किन लोगों के साथ संबंध थे। डरी और सहमी अक्षरा सिंह कहती है नहीं थे, फिर वो डर कर कहती है थे। पवन सिंह एक के बाद एक नाम गिनाते हैं और तब अक्षरा के सामने पवन सिंह वो करते हैं जो अक्षरा डर जाती है, कांप जाती है, रूह से आवाज आती है, हे राम ये क्या हो रहा है। पवन सिंह पूछते हैं कि बताओ तुम्हारे किन किन लोगों के साथ संबंध थे। अक्षरा चुप रहती है। पवन सिंह पूछते हैं कि बताओ फलाने स्टार के साथ तुम्हारा संबंध था या नहीं। अक्षरा कहती है हाँ था या नहीं, फिर कहती है नहीं। इसके पीछे की वजह है कि वो डर था अक्षरा के अंदर कि हां बोलेंगे तब भी फंसेंगे, ना बोलेंगे तब भी फंसेंगे। अक्षरा सिंह के साथ पवन सिंह ने वो किया जो अक्षरा ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। अक्षरा ने कभी इस बात को लेकर अपने दिल में थोड़ी सी भी आहट नहीं आने दी होगी कि पवन सिंह इतना गंदा घटिया इंसान है कि सरयाम उसे मंच पर यह कहवाने का शौक है कि कह दो कि तुम मेरे साथ अफेयर में हो ताकि ये दुनिया जान ले कि तुम्हारे रिश्ते हमारे साथ बंधे हुए हैं, कोई तुम्हारे ओर आंख उठाकर नहीं देखे। अक्षरा सिंह को इस बात का डर था कि जिस दिन यह बंदा धोखा देगा उस दिन हमारे इज्जत, हमारे लूटे हुए आबरू का क्या होगा। अक्षरा सिंह को इस बात का डर था कि परिवार के लोग जब जानेंगे, जब वीडियो देखेंगे तो क्या कहेंगे। लेकिन इस बात से घंटा फर्क नहीं पड़ता था पवन सिंह को। पवन सिंह भोजपुरी सिनेमा जगत के पावर स्टार कहे जाते हैं, सुपर स्टार कहे जाते हैं, लेकिन उन्होंने इंडस्ट्री की एक लड़की की जिंदगी इस कदर खराब की कि वो आज न डर रही है न सहम रही है, क्योंकि उसके अंदर की हर डर को मारा है पवन सिंह ने। और इतना ही नहीं, क्रूरता की सारी हदें पार कर दी है। आपकी क्या प्रतिक्रिया, छोड़ जाइए कमेंट बॉक्स में। फिलहाल आप टुडे बिहार न्यूज के साथ बने रहें। धन्यवाद।